छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। खाई में गिरी कार, तेज धमाके के साथ लगी आग। समय रहते स्टीयरिंग छोड़ गाड़ी से युवक ने लगाई छलांग, बाल बाल बची जान। अंबिकापुर शहर के एक युवक की कार से अचानक धुआं निकलने लगा, ये देख उसने गाड़ी से छलांग लगा दी। उसके गाड़ी से कूदते ही कार खाई में जा गिरी और उसमें धमाके के साथ आग लग गई। अगर युवक थोड़ी और देर भी कार के अंदर रह जाता तो उसका जिंदा बचना मुश्किल था। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर के बिशुनपुर निवासी अजीत गुप्ता 35 वर्ष मंगलवार को मैनपाट घूमने के लिए गया था। शाम को वो अपनी क्विड कार क्रमांक CG04IN7964 से घर वापस लौट रहा था। वो मैनपाट के चढ़ाई वाले रास्ते में ग्राम आमगांव के पास पहुंचा ही था कि अचानक कार से धुआं उठने लगा, ये देख वो कार से नीचे कूद गया। इसी बीच कार आगे बढ़ती हुई खाई में जा गिरी और उसमें तेज धमाके के साथ आग लग गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में कार जलकर स्वाहा हो गई। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने इसकी सूचना 108 संजीवनी एक्सप्रेस को दी। हादसे में घायल युवक को मैनपाट के कमलेश्वरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। कार में कैसे आग लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। ऐसी ही घटना सूरजपुर से भी रविवार 23 जुलाई को सामने आई। यहां ओरगी भैयाथान मुख्य मार्ग पर बैजनाथपुर स्थित नाका के पास तेज रफ्तार क्विड कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई थी। हादसे के बाद कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार आग में जलकर खाक हो गई। कार चालक सोमारू साहू दुर्घटना के बाद गाड़ी से बाहर गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कार में फंसी उसकी पत्नी को राहगीरों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला।